कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बाजू। किसी भी नापी का, किसी भी साइज का बाजू का कटिंग सेम वही होता है। तो ये देखिए, यहाँ से हम 1 इंची लेंगे सिलाई के लिए या तुरपाई के लिए। तो इसको हम यहाँ से निशान लगा देंगे। आपका बाजू का जितना लंबाई होगा उतना यहाँ से लें, तो उससे हम 1/2 इंची ज्यादा लेंगे। मेरा यहाँ पर 4 इंची पर है, तो मैं यहाँ से 4.5 इंची पर निशान लगाऊंगी, ताकि ये 4 इंची पर कटिंग कंप्लीट होगा। यहाँ से भी 4.5 इंची पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंची पर निशान लगाएंगे, कम कर देंगे। ये हर ब्लाउज के बाजू में ऐसा ही होगा। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके गोलाई बनाएंगे। ये देखिए, बाजू का गोलाई आपका जितना होगा उतना ले सकते हैं। इसमें मेरा है 5.5 इंची है, तो 5.5 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे। और इसका काखी का आर्म होल नाप ले, आपका कितना आ रहा है उतना ले। इसमें 7.5 इंची आ रहा है, तो मैं 7.5 इंची पर यहाँ से ऐसे निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं बाजू को कटिंग कर दूंगी। ये किसी भी साइज का, किसी भी नापी का ये ब्लाउज ऐसे ही कटिंग होगा। आपका जितना बॉडी मेजरमेंट हो उतना ले। ये देखिए, ऐसा करके ये शॉर्ट बाजू बनेगा। यहाँ से होल्ड कर देंगे और 1/2 इंची ऊपर दबेगा, बाकी ये इतना परफेक्ट ब्लाउज का बाजू बनके रेडी होगा। अब यहाँ से हम इसको खोल देंगे। खोलने के बाद 1/2 इंची हम आगे के पल्ले में कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे, 1/2 इंची कटिंग कर देंगे। ये हर ब्लाउज में बनेगा, हर बाजू में बनेगा। ये कटिंग वाला आगे के पल्ले में आएगा, जो नहीं कटा हुआ है वो पीछे के पल्ले में जाएगा। तो उसके लिए निशान यहाँ पर लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि ये पता चले कि ये आगे का है और ये पीछे का है। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये जो नहीं कटा हुआ है ये पीछे पल्ले में आएगा, जो कटा हुआ है वो आगे पल्ले में। इधर से भी देख लेंगे, ये कटा हुआ आगे पल्ले में आना चाहिए। ये देख लीजिए, दोनों ऐसा करके आना चाहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।